सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड अ फ्रेश वीडियो। और एक वीडियो फिर से स्कॉर्पियो के ऊपर, क्योंकि इसका रियर डिजाइन एंड डिस्गाइज यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये है वो वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बिना टाइम को वेस्ट करें करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जो नई स्कॉर्पियो एन होगी वो ग्रो करेगी डायमेंशंस में, इसको ज़्यादा लॉन्गर और वाइडर बनाएगी जो आप करंट जनरेशन की स्कॉर्पियो देखते हो। और ये फर्स्ट स्पाई शॉट्स है जिसका क्रेडिट जाता है हर गैराज को, उनकी वजह से ही हमें स्पाई शॉट्स देखने को मिले इसके रियर के डिज़ाइन वगैरह के। और ये बताया था कि 27 जून को 2022 में लॉन्च होगी। अनऑफिशियल बुकिंग जो है वो डीलरशिप लेवल पे कमेंस हो चुकी है और ऑफिशियल टीजर्स आ चुके हैं, लीक्स काफ़ी सारे इसके आ चुके हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को लेके, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट फिलहाल बात करते हैं इसके जो अभी फोटोज़ लीक हुई है उसके बारे में, इसके कैबिन कम्फर्ट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये फोटो सबसे पहले देखो यार, कितनी मस्त लग रही है। और ये है इसका रियर डिज़ाइन जो स्कॉर्पियो का। यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इसके रियर डिज़ाइन की सबसे पहले बात करें तो रियर डिज़ाइन में क्रोम प्रोफाइल, क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है। अगर आप इसकी देखो बम्पर्स वगैरह देखो और इसके जो गेट्स हैं, गेट्स के हैंडल वगैरह देखो, तो उसमें भी आपको यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल देखेगा। इसके टेल लाइट्स देखो, टेल लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर इसका एक साइड प्रोफाइल की फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊँ, उसमें भी आपको देखने को लग रहा होगा कितनी काफ़ी बड़ी है ये। और सही मायने में इसको बिग डैडी कहा गया है SUVs का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये ऑफर होएगी 6 and 7 seater लेआउट ऑप्शन में विद द थर्ड रो हैविंग फ्रंट फेसिंग सीट। द न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन विल बी अराउंड 206 mm लॉन्गर और 100 mm वाइडर होगी करंट स्कॉर्पियो से। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताया था कि इसका जो व्हील बेस है वो 2750 mm से बढ़ गया है, क्योंकि पहले वाले का था 2680 mm लॉन्ग व्हील बेस, तो उससे ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ ही साथ ये लॉन्च हो जाएगी 27 जून को एंड टू बी पावर्ड बाय 2.0 liter पेट्रोल एंड 2.2 liter डीजल इंजन। गियरबॉक्स ऑप्शन ऑन द न्यू स्कॉर्पियो एन विल इंक्लूड अ 6-speed मैनुअल एंड 6-speed टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक। और इसका प्राइस जो होगा, प्राइस रेंज होगी इसकी 14 to 18 lakhs और कंपीट करेगी क्रेटा से, किया सेल्टोस से, MG एस्टोस से, स्कोडा कुशाक एंड वॉक्सवैगन टाइगून वंस लॉन्च्ड इन द कंट्री। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, इसका वेट करते हैं। और ये फोटोज आप देख रहे हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।